आज सीबीआई ने सीजीएम कोर्ट में दो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से उन्होंने यह मांग की थी कि जो स्थानीय स्तर पर एसआईटी ने जो भी मोबाइल लैपटॉप बरामद किया है उसकी जांच करने की अनुमति दी जाए, और दूसरी मांग की थी कि 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड आनंद गिरी सहित अन्य अभियुक्तों की दी जाए। उस पर हम लोगों ने बहस किया कि पहली बात तो जो है यह पुलिस कस्टडी रिमांड जो है सीजीएम कोर्ट के लिए नहीं है, स्पेशल कोर्ट बन चुकी है सीबीआई की, और अब यह मामला क्योंकि स्थानीय स्तर पर नहीं है, सीबीआई के सुपुर्द है, तो अब इसकी रिमांड की मांग सीबीआई कोर्ट से की जाए। और दूसरा, हम लोगों ने ये कहा कि हमारे जो पक्षकार हैं वह पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन वह जो मोबाइल या अन्य उपकरण है उसको जब खोला जाए तो एक राजपत्रित अधिकारी भी उपस्थित रहे। इसके लिए कोर्ट ने यह मान लिया है, आदेश दिया है कि दो स्वतंत्र साक्षी वहां पर उपस्थित रहेंगे जो कि उस उपकरण को खोलने और उसको पुनः सीज करने तक उसमें साथ रहेंगे। एक चीज़ दूसरी, आज 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड सीबीआई की स्वीकृत हो गई है, और हम लोग ने भी सीजीएम कोर्ट से मांग की है कि जिस समय तक सुबह 9 बजे से और 4 तारीख को शाम 6 बजे तक जो ये पुलिस कस्टडी रिमांड रहेगी उसमें आनंद गिरी जी के वकील के रूप में हम लोग वहां पर उपस्थित रहना चाहते हैं। हमने कोर्ट से मांग की। विजय द्विवेदी।